एवरीवन, गुड मॉर्निंग. राधे राधे, कैसे हैं आप सब? तो 2 दिन से वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मैंने रेस्ट लिया हुआ था, छुट्टी ली हुई थी यूट्यूब से, और मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रही थी इसलिए. और उससे भी एक बड़ी बात पता है क्या है कि मेरी जो काम वाली दीदी है ना, वो गई हैं 8 से 10 दिनों की छुट्टी लेकर. तो मेरी ना बैंड बजी हुई है, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल रही थी क्योंकि काम करते करते कब 12 बज जा रहे थे पता ही नहीं पड़ रहा था. तो फिर मैंने सोचा कि चलो 2 दिन अपने घर के काम कर लेते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, फिर वीडियो डालेंगे. तो यहाँ पर है ना, आज मैं कर रही हूँ बेडशीट वगैरह चेंज, क्योंकि ये दिवाली की ही डली हुई है. और ये बेडशीट इतनी अच्छी है ना कि ये अभी भी मुझे गंदी नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी मैंने इसको चेंज करना आज ठीक समझा. वैसे तो मैं चाहती ना तो इसको अभी 10 दिन और डालकर रखती ना तो अभी ये गंदी हो ही नहीं रही थी. तो मुझे नहीं पता रीज़न क्या है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसको चेंज कर देते हैं. तो फाइनली आज है ना मैं इस बेडशीट को कर रही हूँ चेंज, और इसी के साथ थोड़ा बहुत रूम को साफ भी करूँगी. और वैसे तो मेरा रूम और घर पूरा साफ ही रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत मैस हो जाता है क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल जाने लगे हैं. तो स्कूल जाने से पहले जो घर बिखर जाता है वो तो हर किसी के घर में होता है. और वैसे भी ये हमारा घर है, होटल का रूम नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग पता है मुझे क्या कमेंट करते हैं कि तुम्हारा घर बहुत मैसी रहता है, तुम्हारा घर बहुत बिखरा हुआ रहता है, तुम अपने बच्चों को कुछ कहते क्यों नहीं हो. तो डियर, ये होटल का रूम नहीं है, ये मेरा घर है, और घर बच्चों से ही होता है. और जब तक बच्चे बिगाड़ेंगे नहीं तो हम उसको दोबारा सही कैसे करेंगे. हाँ, ये है कि बच्चे कभी कभी ज़्यादा गंदा कर देते हैं तो उसके लिए बच्चों को डांट भी पड़ जाती है और थोड़ी सी पनिशमेंट भी. और पनिशमेंट मैं ये देती हूँ कि जिसने गंदा किया है वही इस चीज़ को साफ भी करेगा. तो बच्चों को ये नहीं है कि मैं मार दूं या डांट दूं, पनिशमेंट भी ऐसी दो ना कि बच्चे हैं ना दोबारा उस चीज़ को करने से ये सोचेंगे कि हम गंदा करेंगे तो मम्मी हम ही से साफ कराएंगी. तो हमारे दोनों काम हो जाते हैं, घर भी साफ हो जाता है, बच्चों को भी हैबिट में आता है, और हमको बच्चों को डांट भी इस तरह की देनी होती है ना कि वो भी कहीं ना कहीं फायदे वाली होती है. तो मेरे बच्चे ऐसे हैं, चाहे आरू हो चाहे मोलू हो, मैं दोनों से काम भी करवाती हूँ और उनको उनकी गलती भी बताती हूँ कि तुमने ये किया है इस वजह से इस काम को अब तुम ही करोगे. तो ये था एज अ मदर मेरा रोल अपने बच्चों के साथ. और अभी तो फिलहाल दोनों बच्चे स्कूल गए हुए हैं, सुबह की हल्की हल्की सी धूप आई है, क्योंकि आजकल ना हमारे वहाँ तो धूप ही नहीं आ रही है. दिवाली की रात के बाद इतनी ठंड हो गई ना अचानक से, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये महीना दिसंबर का महीना हो गया हो, दिसंबर बीच का जो महीना होता है ना वो हो गया हो. बिल्कुल स्वेटर के बिना तो रह ही नहीं सकते. मुझ जैसा इंसान है ना वो तो हर वक्त एक इस तरह की जो जैकेट है ना वो पहना ही रहता है. और जो बूढ़े बड़े हैं, बुजुर्ग इंसान हैं, वो तो पूरे दिन स्वेटर पहन रहे हैं. अचानक से ना यहाँ पर दिवाली के बाद ठंडी का सीज़न आ गया और हमारे विंटर के सारे कपड़े भी निकल चुके हैं. कुछ कपड़े तो मैंने धो भी लिए हैं, कुछ अभी रह गए हैं. इन्हीं सब कामों में लगी थी, इसी वजह से मैंने वीडियो भी शूट नहीं की. और यहाँ पर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी आपसे बातें करते करते. और आज मैंने 3 तरह के अलग अलग पिलो कवर लगा दिए हैं क्योंकि सारे पिलो कवर एक एक इधर उधर हो रहा है. और मेरे इस बेडशीट के अंदर है ना काफ़ी सारे कलर है ना, और उन्हीं कलर के मैंने इस बार है ना जो पिलो कवर है वो भी लगा दिए हैं, और सारे पिलो कवर मैच हो रहे हैं. साथ ही साथ झाड़ू भी लगाती जा रही हूँ घर में, और एक एक रूम को पूरा नीट क्लीन करती जा रही हूँ ताकि मुझे लौट के फिर रूम में कुछ भी ना करना पड़े. बस पोंछे की बाल्टी लेकर आऊँगी, फटाफट से पोंछा लगा दूंगी, और लीजिए हो गया हमारा घर यहाँ पे बिल्कुल आज साफ. तो ये रूम तो साफ हो गया, अब बारी आएगी हमारे दूसरे रूम की, तो वहाँ चलेंगे और उसको भी अब क्लीन करेंगे.
सारे कपड़े जो घड़ी करके रखे थे उनको उनकी जगह पर रखे, और ये कपड़े हैं कुछ जो हाथों से मुझे धोने हैं तो उनको मैं जब नहाऊंगी उसी वक्त हाथों से निचोड़ लूंगी, क्योंकि कुछ कपड़े मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, जैसे आरू की नई जैकेट है, आरू का नया सूट है, तो इनको मैं मशीन में नहीं डालूंगी। और उसके बाद आज देख रही हूँ कि कौन कौन से कपड़े मुझे गंदे लग रहे हैं, उन कपड़ों को डाल दूंगी मशीन में। और आजकल आपको मेरी स्टॉल दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सुबह जब मैं आरू मल्लू को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, तो मुझे स्वेटर और ये स्टॉल सब ओढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही स्कूटी चलाती हूँ, क्योंकि स्कूटी पर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो अपने आप को कवर करके रखना पड़ता है। और हमारे वहाँ तो ठंड स्टार्ट हो गई, अब कह नहीं सकते कि ठंड आने वाली है, तो आजकल तो ठंड के काम शुरू हो जाएंगे, और घर में भी कुछ चीज़ें हैं ना ठंड के मौसम से रिलेटेड दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बच्चे अभी गए हैं तो मैंने सोचा कि चलो पूरे घर को साफ करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही होता है, वो सब अपने काम पे निकल जाते हैं और हम लेडीज़ अपने घर के काम में लग जाते हैं। तो अभी सारे कपड़े समेट रही थी अंदर से लेके बाहर तक, जो जो इधर उधर डले हुए थे, गीली टॉवल बच्चे छोड़ के गए थे वो मैंने उठा के अभी दरवाजे पे रख दिए, क्योंकि मेरे घर में तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा सुखाने के लिए, तो अभी मैंने यहीं रख दिए। और इसके बाद मैंने आज ये सोफ़ा है ना, इसका जो पर्दा मैंने यूज़ किया था ना वो मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि वो वाइट कलर का है ना, और 7-8 दिन के अंदर ही वो इतना गंदा हो गया कि मुझे उसको ना धोने के लिए निकालना पड़ा। लेकिन ये ब्लू वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और साइड से थोड़ा सा सही नहीं था तो मैंने उसको दोबारा सही किया, और काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है इस रूम में वाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में, तो इसको भी रखती तो भी काफ़ी अच्छा लगता। तो चलो ठीक है, जो भी है वो तो उसको तो मैं डाल दूंगी धोने के लिए, उसी के साथ इस रूम में पहले लगाऊंगी झाड़ू। और ये सारे बॉक्सेस जो नीचे रखे हैं ना, ये मैंने अभी उतारे हैं 2 दिन पहले ही, क्योंकि विंटर के कपड़े इनमें रखे हुए हैं, जैसे कि टोपे वगैरह हो गए और बच्चों के स्वेटर, तो ये सारे निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल के स्वेटर मैंने निकाले थे जो कि मैंने धो भी दिए और वो पहन के जाने भी लगे हैं। 2 दिन मैंने काफ़ी काम किया जो कि मैंने दिखाया नहीं। और ये बॉक्सेज है ना जो, वो मैंने रख दिए हैं बेड के नीचे, क्योंकि घर में और कोई जगह नहीं है जहाँ पर इनको रखूं, और रोज़ रोज़ के कपड़े बार बार मैं ऊपर से तो उतार नहीं सकती, तो इस पलंग के नीचे का जो हिस्सा है ना वो मैं यूज़ कर लेती हूँ अपने घर के स्टोरेज के तौर पर। और उसी के साथ साथ पूरे घर में मैंने लगाया झाड़ू। पहला वो रूम तो कंप्लीट हो गया मेरा बेडरूम, अब ये सेकंड रूम है, ये भी मैंने एकदम साफ़ कर दिया। अब इसके बाद मैं साथ ही साथ है ना रूम में कर लूँगी डस्टिंग, और दिवाली का जो भी डेकोरेशन सामान है ना डेकोरेटिव, उस सामान को अब मैं हटाना शुरू कर रही हूँ। और सच बताऊँ ना तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं दिवाली के इस सारे सामान को यहाँ से हटाऊँ, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मेरा मन इतना भारी हो रहा था ना ये सारा सामान हटाने से, क्योंकि रूम है ना एकदम खाली खाली सा हो जाएगा। दिवाली की जो सजावट होती है ना वो सजावट इतनी प्यारी लगती है ना, और हमको मन करता है कि हम अपने घर में ही रहें, अपने घर को ही निहारते रहें, तो मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है, आपको आती है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। सामान मैंने यहाँ से हटा दिया, और जो सामान जैसा रखा था उसको तो मैं यहीं रख दूंगी, क्योंकि ये दिवाली की डेकोरेशन नहीं है, ये तो हम हमेशा पूरे साल ऐसे ही रख सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया। और पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे घर से ज़्यादा लगाव शायद इसलिए होता है क्योंकि मैं अपने घर को खुद DIY कर करके अपने आइडियों से सजाती रहती हूँ, शायद इस वजह से। और गांव में इस तरह का घर रखना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए शायद मुझे मेरा घर अच्छा लगता है। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर है ना जो ग्लास थे वो सारे ग्लास भी अच्छे से साफ़ कर दिए कोलिन से, और जो भी डस्ट वगैरह है ना टेबल पे वो सारी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आजकल हम लोग खाना खाने के लिए ना इसी जगह पे बैठते हैं, क्योंकि ठंड का सीज़न स्टार्ट हो गया है, ज़मीन पे बैठ नहीं सकते, और बेड पर बैठकर मैं किसी को खाना खाने देती नहीं हूँ, क्योंकि बेड पर बैठकर खाना खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे घर में ना अभी तक कहीं जगह नहीं थी इस वजह से सब बैठ जाते थे। और टेबल साफ़ करने के बाद उसके बाद मैं आ गई अपने लिविंग रूम में, तो इसको भी आज मैं है ना थोड़ा बहुत खाली करूँगी, जो कि बिल्कुल भी करने का मेरा मन नहीं था, और यहाँ मिट्टू मुझसे बात करना शुरू कर रहा है। तो मैंने जैसे दिवाली के फ्लावर थे, दिवाली के कुछ हैंगिंग थे, उनको मैंने हटाया है, बाकी तो मेरा जो डेकोरेशन है उसको मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ, ताकि मुझे मेरा घर सजा सवरा सा रहे। और
सोचूंगी आगे चल के एक दो महीने बाद फिर से कुछ मेकओवर करूंगी, क्योंकि ये वाला लुक फिर थोड़ा सा पुराना हो जाएगा और आप लोगों को भी कुछ नया और यूनिक देखने मिलेगा। और आप लोगों ने मेरे इस डेकोरेशन की जो मैंने वीडियो डाली थी आप लोगों ने बहुत पसंद की, उसके लिए थैंक यू। लेकिन थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हुई क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो वायरल ही नहीं हुई, तो चलो ठीक है जो भी है। तो दिवाली का सारा सामान है ना यहाँ लाकर मैं इकट्ठा कर रही हूँ, फिर इनको अलग अलग करके इनके बॉक्सेस में करके पैक करके रख दूंगी, जो कि मुझे नेक्स्ट ईयर सारा काम में आ जाएगा और मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। तो आज मैं सुबह सुबह इन सारे कामों में लग गई हूँ। आजकल ना मैं रूम में ये बड़ी वाली चटाई है ना इसको बिछा देती हूँ, क्योंकि ठंड की वजह से ना बच्चे नीचे पैर भी नहीं रखते हैं और दिन में ना अगर बैठने का मन करे नीचे तो कोई बैठ नहीं पाता, तो फिर मैं ये चटाई बिछा देती हूँ। तो आरू मोलू ना रात के टाइम पे चटाई पे लेट के आराम से टीवी भी देखते हैं और बैठ भी जाते हैं, हम लोग खाना भी खा लेते हैं जमीन पे बैठ के। तो अभी ठंडी का सीजन स्टार्ट है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और मेरे सोफे की हालत देखिए, बेचारे के अंदर कितनी सारी टैप लगी हुई है, लेकिन इसका अभी मुहूर्त ही नहीं आ रहा कि इसको हम सही करा पाएं, क्योंकि अभी अभी दिवाली के इतने खर्चे हुए हैं ना कि उनसे उबरने के लिए एक दो महीना लग जाएगा, तब जाकर हम उस खर्चे से पूरा पाड़ पाएंगे। और सच बताऊँ मैंने अपने मेकओवर में जितना खर्चा किया ना उतना तो मैंने अपने इस महीने में कमाया भी नहीं होगा जितना कि मैंने खर्चा किया, और फिर भी मेरी कोई वीडियो वायरल भी नहीं हुई है। तो इन चीज़ों से ना मेरा मन थोड़ा दुखी हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं होती है। तो ये होता है नसीब कि हम कितनी भी मेहनत कर लें भगवान को हमें जितना देना है वो उतना ही देगा। तो मेरी कोई वीडियो कभी वायरल नहीं होती, पहले होती थी जब मैं नई नई चैनल पे आई थी, लेकिन अब तो पता नहीं क्यों मेरी वीडियोस मेरा चैनल वहीं का वहीं जाके रुक गया है। चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, चाहे मैं कितनी अच्छी वीडियो बना लूँ, इतने अच्छे मैंने आइडिया शेयर किए थे आपके साथ और सारे अपने मन से ही किए थे। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपने दिमाग से, हाँ मुझे इंस्टाग्राम से काफ़ी सपोर्ट मिलता है क्योंकि डेकोरेशन के जो भी वीडियो मैं देखती हूँ ना मोस्टली इंस्टा पे ही देखती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे वो लोग वीडियो डालते हैं, वहीं से मुझे आइडिया भी मिलता है। और फिर अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग मैं अपने रूम का मेकओवर करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो जितना सामान मैंने अभी नीचे से निकाला है ना, नीचे के घरों रूम में से, उन सबको मैं बॉक्स में भर के अब रख दूंगी, क्योंकि इनको बिना बॉक्स के या बिना पॉलिथिन में रैप करे भरो ना तो इनकी जो शाइनिंग जो चमक होती है ना वो चली जाती है। तो जितना अभी नीचे है उसको रख देती हूँ, फिर ऊपर जाऊंगी, ऊपर का भी सारा सामान है उसको इकट्ठा करूंगी और बॉक्सेस में करके इनको रख दूंगी। अली का मैंने कुछ सामान पैक कर दिया और अभी है ना ये जो बॉक्स मैंने उतारा था ना ये दो दिन से यहीं रखा हुआ है और यहाँ रखा रहेगा ना तो बच्चे ला ला कर इसके ऊपर सामान रखते जाएंगे, कपड़े फेंकते जाएंगे और मेरा घर भी बिखरा दिखेगा और सामान भी फैला दिखेगा। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं हम ऊपर, क्योंकि मैंने एक रूम ऐसा रेडी किया है ना जहाँ पर मेरे जितने भी बॉक्सेस हैं और जितने भी इस तरह का सामान है ना उन सबको मैं एक कॉर्नर में रखती जा रही हूँ और यहीं से इसको हम यूज़ भी कर लिया करेंगे, क्योंकि नीचे कम से कम पूरा घर तो नहीं बिखरेगा। ये एक रूम ये मान लीजिए कि मेरा कपड़ों का ही रूम हो गया है, यहाँ पर मैं धुले हुए कपड़ों को सुखाती भी हूँ और इनको बैठकर यहाँ पे घड़ी भी करती हूँ, इसी के साथ साथ ठंडियों के सारे कपड़ों को भी मैंने यहीं रख दिया है।
अब यहाँ बैठकर करूंगी इतने सारे कपड़ों को घड़ी, क्योंकि ये है ना मेरे एक ही दिन के कपड़े हैं। और ये जो मशीन आ गई है ना नई वाली, उससे मुझे इतना फायदा है ना कि मैं सारे कपड़े एक ही बार में धोती हूँ। जैसे दो दिन में एक बार चलाती हूँ, सारे कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ फिर धो लेती हूँ। बार बार मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ते। और इस बार मेरे हाथ अभी तो ठीक हैं, अब देखते हैं आगे कैसे होते हैं, क्योंकि मेरे हाथ फटना शुरू हो गए हैं, ठंडियाँ स्टार्ट हुई। वैसे ही ऐसा लगता है जैसे कि मेरे हाथों का पूरा मॉइस्चर चला गया। अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा, तो चलो जो भी होगा देखेंगे। फिलहाल के लिए तो भाई हमारी बिटिया का रूम सही कर दे, नहीं तो बोलेगी मेरी चीज़ें खराब कर दी मम्मी आपने। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं और कपड़े धोने के लिए डाल देते हैं जो अभी निकाले हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आज चलिए हम आते हैं वापस अपने रूटीन में, दिवाली के बाद वाले रूटीन में। तो यहाँ मैंने डाल दिए कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना ऑन किए मशीन और कपड़े धुलना स्टार्ट हो गए। और ये मेरा बहुत ही रिलैक्सिंग मूड वाला टाइम रहता है, क्योंकि मैं इस मशीन को लेके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दिए और 54 मिनट लगेगी मेरे कपड़े धुल के सूख के बिल्कुल रेडी मिलेंगे। और इनको मैं ऊपर ले जाके स्टैंड में डाल दूँगी। तो ये है मेरा मॉर्निंग का काम आज का। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आई और इसका चिल्लाना शुरू, इसको लगता है कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो पूरा घर एकदम नीट क्लीन, एकदम साफ सुथरा, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली के लिए सजाया है फिर से। लेकिन इस लाइटिंग को मैं नहीं निकालूंगी, मुझे अच्छी लगती है। और अभी मेरा एक काम बाकी है, वो है मेरा किचन, क्योंकि बच्चे स्कूल गए। उसके बाद अभी मैंने प्लेटफॉर्म साफ नहीं किया है, फ्लोर वगैरह सब साफ है। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं, इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। पापा आई लव यू, कल मिलते हैं। और अगर आप होम टूर देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट डाउन करिएगा। होम टूर की वीडियो मैंने शूट की थी दिवाली पे, बट मैंने उसको अपलोड नहीं किया। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं जरूर डालूंगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि शूट भी कर दी, एडिटिंग भी कर दी, लेकिन डाली नहीं है। तो देखती हूँ, अगर आप लोग चाहोगे तो डाल दूंगी। तो चलिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव यू।